बोकारो स्टील सिटी स्टेशन का होगा कायाकल्प। लगभग 33.5 करोड़ रुपये खर्च से होगी कायाकल्प। ऑनलाइन प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड के साथ साथ बढ़ाई जाएगी यात्री सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में रेलवे स्टेशनों को विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं होगी। भारत विविधता की महिमा प्रदर्शित करते हुए इन विकसित स्टेशनों में नई आधुनिक यात्री सुविधाएं और मौजूदा सुविधाओं का उन्नतीकरण और बदलाव होगा, जिसे देश भर में 1309 रेलवे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 508 रेलवे स्टेशनों का 6 अगस्त 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, जिसमें आधा डिवीजन के बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन भी है, जहां उद्घाटन को लेकर सांसद, विधायक और दक्षिण पूर्व रेलवे आधा डिवीजन तथा जिले के आला अधिकारियों का अमला भी मौजूद होगा। इसको लेकर बोकारो स्टील सिटी स्टेशन में पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारी का निरीक्षण कर रहे DRM ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन भी इस योजना में शामिल है, जिसका कायाकल्प किया जाएगा। सभी तरह की सुविधाओं को आधुनिक किया जाएगा। इससे यहां आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, जिसमें सुरक्षा से लेकर रखरखाव, टिकटिंग और जानकारी प्रशासन प्रक्रिया से लेकर अन्य सभी चीज़ों को सुगम बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ के माननीय सांसद पशुपति नाथ जी आएंगे और बिरंची नारायण जी आएंगे, MLA आएंगे, हम लोग तो होंगे ही, हमारे मेरे सारे ऑफिसर्स आएंगे। और कल का प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी 10-11 o'clock पे आएंगे, मंत्री रेल मंत्री जी भी बाई वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी भी वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कुछ 5-6 स्कूलों में बोकारो के और 4-5 स्कूलों में आगरा के हम लोगों ने कुछ ऐसे कंपटीशन कराया था, पेंटिंग कंपटीशन कराया था, ड्राइंग कंपटीशन कराया था, तो उनके कुछ बच्चों को हम पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो माननीय सांसद जी के माध्यम से हम उनको जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए हम उनका उनको पुरस्कार भी दिलवाएंगे। बाकी एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम होगा और इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कल किस चीज का उद्घाटन होगा और कितने के लागत से हो रहा है? कल बोकारो स्टेशन का जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, उसमें उसका उद्घाटन होगा। 33.5 करोड़ की लागत में जो है ये इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें क्या क्या हो बनेंगे? इसमें मैं आप जैसे मैंने बताया आपको, जो मेरा स्टेशन का इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, चाहे वो पैसेंजर कन्वीनियंसेस हो, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों में हम लोग जो है और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे। जिस तरह से स्टेशन का विकास के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, कोई स्पेशल ट्रेन भी यहाँ रुकेगी भविष्य में या कुछ इस तरह की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ट्रेन्स का जो रुकने का है, ट्रेनों के रुकने का जो डिसीजन है, वो नॉर्मली जो पैसेंजर एसोसिएशन रिक्वेस्ट देते हैं और जो सेल ऑफ टिकट्स होती है उसके ऊपर एक कमर्शियल डिसीजन होता है। यह डिसीजन हेडक्वार्टर लेता है रेलवे बोर्ड के कंसल्टेशन में। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो है इस तरह का जो है ट्रेनों का इंट्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। आपने जैसे कहा कि आगरा डिवीजन का सबसे दूरी स्टेशन है जी, लेकिन